हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि यदि हम बाई फ्रिक्शन रब करने से चार्ज डेवलप कर लेते हैं तो चार्ज एक जगह स्टोर होता है, दैट मीन्स वो स्टैटिक कंडीशन में होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि यदि हम चार्ज स्टोर कर लें तो जिस तरह से हम डैम में वाटर को स्टोर कर लेते हैं उस तरह की बात होती है, लेकिन यदि हमको उस वाटर को केनाल में फ्लो करना है तो वो करेंट होता है। तो करेंट को फ्लो करने के लिए हमको जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ता है वो पोटेंशियल होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कंप्लीट होने के बाद हम उसका जो सेकंड पार्ट है कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फर्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड सेकंड इज कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का हम कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करते हैं। पोटेंशियल देखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग अलग चीज होता है और डेफिनेशन अलग चीज होता है। मीनिंग में हम उसके सेंस को समझते हैं कि एक्चुअल में वो है क्या, लेकिन डेफिनेशन फार्मूला पर बेस्ड होता है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एज मीनिंग, कि भाई एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या पोटेंशियल का मीनिंग क्या है। ये आपको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये बात याद होगा कि आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 10th क्लास में भी पढ़ा था, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वहाँ पर पढ़ाई की थी। आप सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स को मेरा एक सजेशन है कि आप एक बार अपने 10th के साइंस बुक फिजिक्स का जो पोर्शन है, यदि आपके पास हो तो एक बार उसकी रीडिंग कर लीजिए। बाय द वे, आपके पास ना हो तो मैंने 10th क्लास के लिए भी वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उस टॉपिक को आप आधा घंटा एक बार उस वीडियो को देख लें तो 10th क्लास में इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 10th का पूरा फिजिक्स का सिलेबस 12th क्लास को मैच करता है। देखिए, इसकी मीनिंग क्या है ये समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। सपोज ये मेरे पास दो चार्ज बॉडी है, सपोज ये चार्ज बॉडी ए एंड बी इज अनदर चार्ज बॉडी। अब हमने सपोज चार्ज ए चार्ज बॉडी को सपोज हमने यहाँ पर 200 कूलम चार्ज दिया, इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है 200 कूलम है। और सपोज बी चार्ज बॉडी है, इसके पास अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज 100 कूलम है। ये दो सेपरेट अलग अलग ये चार्ज पार्टिकल हैं, चार्ज बॉडी अभी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम सपोज इसको एक कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यदि हम इसका कंडक्टर वायर से कनेक्ट कर दें तो नेचुरली इसमें चार्ज क्या होगा, ए से बी या बी से ए में जाएगा। यदि अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इन दिस कंडीशन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ए टू बी आर बी टू ए, तो नेचुरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है, आज तक मैंने जितने बार भी क्वेश्चन पूछा तो फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम स्टूडेंट ने आंसर दिया कि सर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज फ्रॉम ए टू बी। और उनका लॉजिक क्या होता है कि ए के पास ज़्यादा चार्ज है, बी के पास चार्ज कम है। तो हम जनरली हम कॉमन सेंस में सोचते हैं कि ज़्यादा से कम क्यों जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है, तो इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, फ्लो ऑफ वाटर से आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज हमारे पास टू वाटर कंटेनर है, ये हमने दो वाटर का कंटेनर लिया, ये कंटेनर ए है ये कंटेनर बी है। सपोज इसमें वाटर का जो लेवल है वो यहाँ तक, इसमें हम यहाँ तक पानी भर के रखे हुए हैं और इसके पास इसकी क्वांटिटी है 200 लीटर। एग्जैक्ट इसी एग्जांपल को मैच करके समझा रहा हूँ मैं आपको। और सपोज ये सेकंड नंबर का कंटेनर है, उसमें वाटर का लेवल यहाँ तक है, वाटर का लेवल यहाँ तक इसमें भरा हुआ है, लेकिन इसके पास लिक्विड या वाटर 100 लीटर है।
ये दोनों दो सेपरेट कंटेनर हैं, अभी दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर को इस कंटेनर के साथ में हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरह से हमने एक पाइप से ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि वाटर का फ्लो ए से बी की ओर होगा कि बी से ए, क्या बोलेंगे आप? नेचुरली आप बोलेंगे बी से ए की ओर होगा, क्योंकि आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वाटर का जो फ्लो होता है ऑलवेज हाई लेवल से लो लेवल की ओर होता है। दैट मीन्स वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। यदि क्वांटिटी पर डिपेंड करता तो यहाँ तो 200 लीटर है, यहाँ से इसमें जाता। तो एक बात यहाँ से क्लियर होता है कि वाटर का फ्लो होना वाटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ वाटर। वाटर आर एनी लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। इसीलिए हम डैम को हाइट में बनाते हैं और केनाल नीचे बनाते हैं, हम अपने फील्ड को खेत को नीचे बनाते हैं, तभी वाटर डैम से नीचे की ओर फ्लो होता है। तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलरली इन दिस कंडीशन द अमाउंट ऑफ चार्ज डजंट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल इज द फैक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जिस तरह से यहाँ पर वाटर का लेवल बताता है कि वाटर किधर फ्लो होगा, एग्जैक्टली उसी तरह से पोटेंशियल बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। तो यहाँ तो हमको पोटेंशियल पता नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि सपोज इसके पास 20 वोल्ट पोटेंशियल है और सपोज इसके पास 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो अब यहाँ आप बता सकते हो कि चार्ज ए से बी में फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है? चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस तरह से पोटेंशियल एक फैक्टर है जो ये बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। जिस तरह से वाटर का लेवल बताता है कि वाटर किधर फ्लो होगा, उसी तरह से पोटेंशियल बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। तो ये बात आज के बाद अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि चार्ज का फ्लो होना चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है किस पर? पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल। ये कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन कि एक्चुअल में इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन किस तरह से होता है। देखिए ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल है क्या? एक बात आप ध्यान में रखेंगे, जब तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर कराऊं, आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो भाई पोटेंशियल है क्या। ओनली आप डेफिनेशन रख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, उसका सेंस भी पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी में क्या रोल है। तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल के इलेक्ट्रिसिटी में रोल ये है कि वही बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। इट्स डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं इसका डेफिनेशन कि हम इसको डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं। तो डेफिनेशन के लिए इसका मैथमेटिकल टर्म्स होता है, पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं वी से और वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। हियर डब्ल्यू इज अमाउंट ऑफ वर्क, ये वर्क है, और क्यू क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये चार्ज है। तो वर्क और चार्ज का जो रेशियो है वो पोटेंशियल होता है। तो एक्चुअल में पोटेंशियल का है अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क है। तो किस तरह का वर्क है, कौन सा वर्क है, ये वर्क हम कहाँ करते हैं, इसको समझने के लिए आप ये सिचुएशन पर ध्यान दीजिए। सपोज हमारे पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए मैं हमेशा इस बात पर अपने फिजिक्स के क्लास में जोर देता हूँ कि आपको कोई भी डेफिनेशन यदि तैयार करना है तो आप डेफिनेशन को एक पिक्चर के फॉर्म में अपने ब्रेन में स्टोर करिए। आप वर्डिंग्स ओनली वर्ड्स को आप यदि ब्रेन में रख लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए क्या करिए, आप उसको एक पिक्चर के फॉर्म में कि एक इवेंट्स के फॉर्म में, जैसे ये हमारे ब्रेन का नेचुरल प्रोसेस है कि हमको यदि किसी चीज़ को सिचुएशन के साथ में समझाया जाए, यदि कोई हमको एक स्टोरी समझाए और यदि हमको उस स्टोरी पर कोई पिक्चर दिखाए तो नेचुरली हमको पता है कि पिक्चर देखने से स्टोरी हमको जल्दी लर्न होता है। इसलिए मैं आपको फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी डेफिनेशन यदि आप बनाते हैं या कोई भी डेफिनेशन आप समझते हैं तो उसके लिए आपके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि एक्चुअल में वहाँ पर हो क्या रहा है। आप इमेजिन करिए, फिजिक्स इमेजिन पर बेस्ड होता है। जो स्टूडेंट या टीचर
जितना अच्छा सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है वह उतने ही अच्छे से फिजिक्स को समझ सकता है। इसलिए आपकी पूरी कोशिश इमेजिनेशन पर होना चाहिए कि इमेजिन करो कि क्या क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ आपको इमेजिन कराने का कि यहाँ क्या क्या हो रहा है आप समझिए। तो मैंने क्या बताया कि सपोज क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो मैंने राउंड एक एरिया कवर किया है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सपोज ये पॉजिटिव नेचर का है, कुछ भी सब ले सकते हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब सपोज अपने को एक टेस्ट चार्ज को, देखिए मैं पहले थोड़ा आपको टेस्ट चार्ज के बारे में बता दूं। टेस्ट चार्ज इज ए इमेजिनरी चार्ज, ये एक इमेजिनरी चार्ज होता है जिसको इमेजिन किया गया, एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन मतलब फिजिक्स के कुछ ऐसे फैक्ट जिसको हमको कंसिडर करके माना गया है, वो कन्वेंशन है। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ए टेस्ट चार्ज। हम यूनिट मतलब जिसका पोल चार्ज स्ट्रेंथ क्या हो, वन हो, और किस तरह का नेचर हो उसका, पॉजिटिव। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो कि इमेजिनरी होता है, इसको हम टेस्ट चार्ज के लिए कंसीडर करते हैं। ये आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाते समय बताया भी था, फिर मैं उसको रिमाइंड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज का पोजीशन क्या है, अननोन पोजीशन है, दैट मींस हमको पता नहीं कि वो कहाँ है, दैट मींस इन्फिनिटी में है। तो इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, दैट मींस अननोन पोजीशन से हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। सपोज आप इमेजिन करिए ये यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है जो कि इन्फिनिटी में है, अब उसको मेरे को यहाँ तक लाना है। तो इस यहाँ तक लाने के लिए मेरे को जो वर्क करना पड़ेगा, यही जो वर्क है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दैट मीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, बट स्पेशल टाइप वर्क। किस टाइप का वर्क होगा वो, विच इज एक्ट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फार्मूला में यदि हम चार्ज को यूनिट ले लें, यदि हम चार्ज को यूनिट ले लें, देन हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू डब्लू, ये फार्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू डब्लू। अब यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल को इस सिचुएशन से, किस तरह से करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वह वर्क क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क होता है। इसलिए मैं अभी से आपको बता दूं, कहीं पर हमको यूनिट चार्ज के लिए वर्क करना पड़ता है तो हम पोटेंशियल निकालते हैं, और अपने को पता है कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। इसलिए हम जब पोटेंशियल निकालते हैं तो फोर्स के जगह में इंटेंसिटी यूज करते हैं, और ई इंटू डी होता है। तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कहीं भी हमको पोटेंशियल निकालना हो तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये सिचुएशन आपके क्लियर रहेंगे तभी आपको आगे फार्मूला डेरिवेशन वगैरह ढंग से समझ में आएगा। तो जिस तरह से वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस होता है। तो वी इक्वल टू ई इंटू डी, ये फार्मूला आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, आप ध्यान रखेंगे। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट। अब हम इसके यूनिट पर बात करते हैं, इसका यूनिट होता है वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन डेफिनेशन ऑफ वन वोल्ट इज, सपोज हमको वन वोल्ट को डिफाइन करना है तो वन वोल्ट का डेफिनेशन क्या होगा, इस फार्मूला पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम यूनिट सपोज कर लेते हैं। किस तरह से, इफ अमाउंट ऑफ वर्क इज वन जूल एंड चार्ज इज वन कूलम, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वन वोल्ट। अब इस सिचुएशन को हम बोलेंगे, इसके लिए वन वोल्ट का डिफरेंस हो जाएगा। देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, आप ध्यान से समझना। इफ वन जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ए वन कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज वन वोल्ट। यदि हमको वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने के लिए वन जूल का वर्क करना पड़े,
तब उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ये होता है डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल के बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट समझना है तो सबसे पहले आप अपनी टर्मिनोलॉजी स्ट्रांग करिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? नाम से क्लियर है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट आप एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये उसका सिंपल मीनिंग हुआ। लेकिन अब उसका हम डेफिनेशन किस तरह से करते हैं, देखिए। ये सपोज अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने यहाँ पर इमेजिन किया एक पॉइंट ए और सपोज ये पॉइंट बी है। सपोज इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी ए है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल सपोज क्या है, वी बी है। तो नेचुरली ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये भी डब्ल्यू अपॉन क्यू के इक्वल होगा, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ जब इसका हम डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए। इफ चार्ज इज 1 देन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क वी चीज। अब देखो यहाँ ध्यान देना, अब दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अभी हमने पोटेंशियल में क्या देखा कि एक हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ था, इन्फिनिटी में था। लेकिन अभी दोनों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वहाँ बोले थे हम फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, पोटेंशियल में एक पॉइंट अननोन था और पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट नोन कंडीशन पर है, हमारे अप्रोच पर है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इमेजिन करिए कि हमारा एक क्लासरूम एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज मेरे को किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, तो उसके लिए मैं जो वर्क करूँगा दैट अमाउंट ऑफ वर्क इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर, एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट। यूनिट तो वोल्ट ही होगा और डेफिनेशन भी वैसा ही होगा। इस तरह से कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं बार बार आपको डैम और रिवर इसका केनाल का एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विजुअल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को हम देख नहीं सकते। इसीलिए स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि सब इमेजिनेशन पर बेस्ड है। लेकिन जो विजिबल थिंग्स हैं, जैसे हम डैम के पानी को हम देख सकते हैं स्टोर होके, उसको केनाल में फ्लो होते हुए देख सकते हैं, लेकिन हम चार्ज को किसी केबल में फ्लो होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन दोनों एक तरह का चीज़ है, वहाँ पर उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। वहाँ पर डैम में जो वाटर स्टोर होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, वहाँ पर भी पोटेंशियल के कारण ही वो केनाल में वाटर फ्लो होता है। यहाँ पर जब हम चार्ज डेवलप कर लेते हैं, सपोज हमारे पास पावर प्लांट है, पावर प्लांट में हमने टर्बाइन को रोटेट करके और डायनेमो से चार्ज डेवलप कर लिया। अब उस चार्ज को हमको क्या करना है, केबल के थ्रू फ्लो भी कराना है। तो जब तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जिस तरह से वाटर को फ्लो होने के लिए टू डिफरेंट लेयर चाहिए अप एंड डाउन, यदि हम वाटर के टू पोजीशन के लेवल सेम कर दें तो ये नेचुरली अपने पता है कि इसमें वाटर हम फ्लो नहीं करा सकते। तो वाटर को फ्लो कराने के लिए जिस तरह से हमको एक लेवल को हाई एक को लो रखना पड़ता है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमको किसी भी केबल के टू पॉइंट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से हमारे घर तक डोमेस्टिक यूज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर नेचुरली हाई पोटेंशियल पर होगा और हमारा जो हाउस है, हमारा जो घर है, लो पोटेंशियल पर होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से हमारे घर तक फ्लो होता है। यदि ऐसा ना हो तो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी अप्रोच नहीं हो सकता। बात के आगे के चैप्टर में जब हम आपको ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ाएंगे तो सारा चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं अभी से इन चीज़ों पर डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक बात ध्यान देना है कि कभी भी जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आपके फिजिक्स में इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंजॉयफुल बना सकता हूँ कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा। बस आपको मेरे को एक कोऑपरेट मेरे साथ आपको करना होगा कि आप बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से क्लियर करिए। यदि आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया तो आगे आपको फिजिक्स को आप फिर उसको बर्डन नहीं, आप उसको इंजॉय करोगे,
फिर मजे करोगे आप फिजिक्स पढ़ने में, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो मैंने फाइनली आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ट्रांसफार्मर वही रोल करता है, हाई पोटेंशियल को लो, लो पोटेंशियल को हाई करते, आगे बढ़ेंगे अपन। इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से ही हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। अदरवाइज पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, एक छोटा सा फार्मूला डिराइव करेंगे हम इसके लिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, जनरली हम फिजिक्स में पॉइंट मतलब एक स्फेरिकल चार्ज को पॉइंट चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेरिवेशन है, आप इसको ध्यान देंगे। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और हम उसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो देखिए, ये हमने कंसीडर किया एक पॉइंट चार्ज, सपोज एक पॉइंट चार्ज है ओ पॉइंट पर, और इस पर चार्ज है अमाउंट ऑफ चार्ज सपोज क्यू है। जैसे पॉइंट चार्ज चार्ज पार्टिकल है तो क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कोई भी चार्ज बॉडी अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करता है, तो इसके सराउंडिंग में इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसके किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज वो रिक्वायर पॉइंट है ये, सपोज पी इज द पॉइंट रिक्वायर्ड वेयर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पी एक पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि सपोज यहां से ये जो क्यू चार्ज है वहां से पी तक का डिस्टेंस सपोज आर है, ये डिस्टेंस आर है। अब यहां पर हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना है। अभी मैं बार बार यही बात बताया आपको कि हमको वहां वर्क कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल डिस्टेंस, एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंसिडर कर लेंगे ए बी, एंड इट्स डिस्टेंस इज सपोज डी एक्स, डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट पार्ट, छोटा पार्ट, और बी का यहां से डिस्टेंस है सपोज एक्स। बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी एक्स। तो सबसे पहले हम अपने टेस्ट चार्ज को, दैट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, बी से ए तक ले जाने में, बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ये हम सबसे पहले निकालेंगे, और बाद में उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। ये हमारा वर्किंग स्टेप है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर बी पॉइंट पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर इसका इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, हम उसको ई रिप्रेजेंट करते हैं, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4π ε0 क्यू अपॉन, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया है, एक्स, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ता है, ये निकालेंगे। वर्क डन, अब निकालेंगे अपन वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक ले जाने में। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर वर्क निकालेंगे तो फोर्स क्या है अपने पास, इंटेंसिटी है। फोर्स इंटेंसिटी क्यों है, क्योंकि हम किस पर बात कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज पर। टेस्ट चार्ज की कंडीशन पर इंटेंसिटी फोर्स ही क्या बन जाता है, इंटेंसिटी बन जाता है। तो हो जाएगा ई और इंटू डिस्टेंस, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस डी एक्स है। और यहां पर हम माइनस साइन यूज करेंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम पॉजिटिव चार्ज को इसकी ओर ला रहे हैं तो उसको रिपेल करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, निगेटिव वर्क है, माइनस साइन यूज करेंगे। दैट इंप्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू, यहां से ई का वैल्यू का आप वहां पर लाके पुट अप कर दीजिए, इसका वैल्यू यहां पर पुट अप करेंगे, माइनस 1/4π ε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। अब हम निकालेंगे देयरफॉर
टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, देयरफॉर टोटल वर्क कहां से कहां तक, टोटल वर्क फ्रॉम पोटेंशियल का डेफिनेशन मैंने क्या बताया, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, तो कहां से लाएंगे पॉइंट को हम, इंफिनिटी से लाएंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डिस्टेंस या डी डिस्टेंस, या डिस्टेंस को आप आर भी सपोज कर सकते हो डी भी सपोज कर सकते हो, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क को हम डी डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी यहां पर डी डब्ल्यू कर दो क्योंकि डिफरेंशिएट पार्ट है, अब निकलेगा टोटल वर्क डब्ल्यू, और टोटल वर्क इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क, ये जो छोटा छोटा वर्क हुआ है इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए फिजिक्स में इंटीग्रेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है, तो नेचुरली फिजिक्स के क्लास में आप लोग दो तरह के स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग मैथ्स लिए होंगे कुछ लोग बायो लिए होंगे, मैथमेटिक्स के भी जो स्टूडेंट होंगे वो अभी मैथमेटिक्स में कैलकुलस नहीं पढ़े होंगे लेकिन उनको फिजिक्स में इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ने लगा, इलेवंथ के स्टूडेंट्स को भी उसका जरूरत पड़ने लगा, बायो वालों को भी, तो ये सब चीज़ आप कहाँ पर पढ़ते हैं, इलेवंथ क्लास में जब आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है तो पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, मैंने कई वीडियो उस पर बनाया है, आप यदि आपका वो पोर्शन पुअर है तो आप फिर इलेवंथ क्लास के वीडियो से ये सब बेसिक मैथमेटिकल टूल्स को जो मैंने वहाँ पर पढ़ाया है, बायनोमियल थ्योरम सब चीज़ मैंने पढ़ाया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज क्या है आपको इंटीग्रेशन जब तक नहीं पता होगा ट्वेल्थ फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हर रोज़ एक दिन दो दिन के डिफरेंस में आपको कैलकुलस यूज़ होगा ही होगा, तो मेरा आपको सजेशन है कि आप कैलकुलस थोड़ा वहाँ से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर हम यहाँ इसका वैल्यू पुट अप करते हैं, वैल्यू पुट अप करेंगे दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा W इक्वल टू ये जो डी डब्ल्यू हम निकाल के रखे हैं यहाँ उस वैल्यू के यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा अच्छा यहाँ पर लगा दें लिमिट, तो फ्रॉम इन्फिनिटी तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, कहाँ तक आर है आर तक, तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर देंगे माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया, अब यहाँ हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी को हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, तो एक्स को छोड़ के ये एक्स बस वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है वो वेरिएबल है और उसको छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी आप वहां देख रहे हैं सब कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएंगे माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू, क्योंकि मैं यहां लिख देता हूं ये हो गया क्यू और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा ये, तो x के पावर को ऊपर ले जाएंगे तो x टू द पावर माइनस टू डी एक्स हो जाएगा और लिमिट हो गया इन्फिनिटी टू आर, क्लियर। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जिनको नहीं मालूम है खासकर जो बायो के स्टूडेंट हैं मैं बता देता हूँ एक रेफरेंस फार्मूला कि इंटीग्रेशन का फार्मूला एक होता है x टू द पावर n dx, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए मैं इसको इरेज कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस फार्मूला के हेल्प से यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखिए हमारे फार्मूला में यहाँ पर क्या है एन है और यहाँ पर क्या है माइनस टू है, तो इस फार्मूला में जहाँ जहाँ एन आया है उसके जगह हम माइनस टू पुट अप कर देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इस तरह से मैं यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मेरा आपको एक पर्सनल सजेशन है कि आप उसको 11th के बेसिक मैथमेटिकल टूल से जरूर प्रैक्टिस करिए, क्लियर। अब ये फार्मूला मैं इरेज कर देता हूँ ये, और यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ दैट इक्वल माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन होने के बाद उसका साइन हट जाता है तो हम एक ब्रैकेट लगा दिए, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, जो मैंने फार्मूला में बताया, और लोअर लिमिट हम यहाँ लिख लेंगे अपर लिमिट यहाँ पर लिख लेंगे, क्लियर। अब इंटीग्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं दैट इक्वल माइनस, यहाँ देखिए माइनस टू प्लस वन क्या आएगा माइनस वन आएगा, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एक्स का पावर माइनस वन जो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा क्या वन अपॉन एक्स और लिमिट हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर, दैट इक्वल क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ लिमिट रखने का फार्मूला होता है अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट, ये भी कैलकुलस का फार्मूला है। एक बार यहाँ पर अपर लिमिट रखाएगा तो 1/r माइनस 1/ ये रखाएगा तो 1/∞ दैट इक्वल, इसको आगे सॉल्व कर दें, जीरो होता है, 1 में इन्फिनिटी का डिवाइड जीरो होता है, तो ये बचेगा तो हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन है वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने के लिए जो हम वर्क निकाले वही वर्क क्या बन जाएगा, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम में आता है और ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा आगे न्यूमेरिकल्स में या दूसरे टॉपिक को सॉल्व करने में काम आएगा, क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ पोटेंशियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है। मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको, ये मैं इरेज करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग, या कंप्लीट अब इसको इरेज कर दिया मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वी, वी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, तो हमने यहां पर वी का जो फार्मूला पढ़ा, वी इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारा जो चार्ज है वो एयर आर वैक्यूम में रखा हुआ है। यदि हम उसको किसी मीडियम में रख दें, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी मीडियम का जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होता है यदि हम उसको किसी मीडियम में रख दें तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर या के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर एनी मीडियम, ये हो गया एयर आर वैक्यूम, ये फार्मूला है एयर आर वैक्यूम के लिए, लेकिन फॉर एनी मीडियम इट्स फार्मूला इज वी इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के आर, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं आप इसको, वेयर के इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इक्वल टू क्यू अपॉन आर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जब हम इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग पर डिस्कस करेंगे तो आप ध्यान दीजिए इस फार्मूला में जो जो वेरिएबल्स आया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, तो नेचुरली सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगा, वो सबसे पहले डिपेंड करेगा चार्ज पर, क्लियर। ये चार्ज पर कैसे डिपेंड करेगा, चार्ज न्यूमरेटर में है तो वी क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट वी प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड सेकंड इज वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर, वी सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं, ओनली आर होगा ना, यहाँ स्क्वायर नहीं होता आर होता है, तो आर के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी है डिस्टेंस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा पोटेंशियल उतना ही क्या होगा डिक्रीज होगा, उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। एंड थर्ड इज वी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द के, देखो मीडियम के इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं ना उसको। एंड फोर इज वी प्रोपोर्शनल, देखिए फोर्थ नंबर का जो इसका फैक्टर अफेक्टिंग है वो है प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फार्मूला में नहीं लेकिन आपको समझना है, प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है और उस चार्ज बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वहाँ पर है, यदि हम किसी दूसरे कंडक्टर मटेरियल को ले आते हैं तो क्या होगा, इंडक्शन के कारण उसमें भी कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा जिसके कारण चार्ज डिक्रीज हो जाएगा और चार्ज डिक्रीज होने से पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर पोटेंशियल विल बी डिक्रीजेज, ये डिक्रीज होता है। ये ध्यान रखना आप कि किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में यदि हम कोई कंडक्टर मटेरियल एंट्री कर दें तो वहाँ का, जैसे मान लो मेरा ये रूम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है और यहाँ पर मैं कोई कॉपर का प्लेट ले आता हूँ तो मेरे इस रूम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा।
तो है फैक्टर्स इफेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी आपको पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी आपको काम आ सकते हैं। क्लियर, ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द वी। नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डिफरेंट पोजिशंस, अलग अलग पोजिशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना। आपको याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन आपने पढ़ा। एग्जैक्ट यहाँ पर भी पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन उसी तरह से होता है, सिमिलर है, बहुत आसान है, वो तैयार होने के बाद ऐसे तैयार हो जाता है। मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल ये है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मेन हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएगा, देखिए ये सपोज अपने प्लस, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसका मिड पॉइंट है, ए पोजीशन बी पोजीशन, और ये इसका एक्सियल पोजीशन। ये मैं आपको समझा चुका हूँ इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए थोड़ा फटाफट बता देता हूँ। ये पी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ये इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस आप सपोज कर लीजिए कि सपोज इसका डिस्टेंस क्या है, आर है, यहाँ से मिड पॉइंट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को आप सपोज कर लीजिए, सपोज ये 2L है तो ये वाला हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, और ये बी पॉइंट से पी पॉइंट तक, ये यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो पोटेंशियल होगा वो वी प्लस क्यू होगा, और निगेटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो वी माइनस क्यू होगा। अब यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग वैल्यू लिख देते हैं। V प्लस क्यू इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, 1/4π एप्सिलॉन r, और q अपन क्या होता है r, तो यहाँ पर ये प्लस के कारण डिस्टेंस कितना है ए पी, तो हो जाएगा ए पी दैट इक्वल 1/4π एप्सिलॉन r q अपन a से लेके ये p तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस क्या है r, तो हो जाएगा r प्लस l। क्लियर, सिमिलरली फॉर निगेटिव चार्ज, फॉर निगेटिव चार्ज वी माइनस क्यू, वी माइनस क्यू क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है माइनस चार्ज से पी बी, ये डिस्टेंस है तो हो जाएगा पी बी दैट इक्वल माइनस 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या आर माइनस एल, R माइनस एल, देयर फॉर टोटल पोटेंशियल, देयर फॉर टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, ये हो जाएगा। अच्छा डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस ये माइनस हो जाएगा, दैट इक्वल V प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, ये V प्लस क्यू का वैल्यू ये जो कॉमन है उसमें हम कॉमन कर लेते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और q कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा इसका वैल्यू कितना 1/r प्लस l, और ये माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस l। क्लियर, इसको हम LCM लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आप एक बार एक कैलकुलेशन आप कर चुके हो फर्स्ट पार्ट में, v इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q, LCM दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल, आर प्लस एल दैट इम्प्लाइज वी इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू, एल एल कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2r/r² माइनस एल स्क्वायर, ये इसके लिए फाइनल इक्वेशन है। 2qr को अपन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये इसका फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, इफ l इज वेरी लेस देन r, यदि l r से बहुत छोटा हो तो v इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट q, यहाँ पर देखिए ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक r इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो जाएगा 2q/1r बचेगा r, ये स्पेशल केस है जब डिस्टेंस बहुत कम हो। क्लियर, ये कहलाता है एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल, इसी तरह से होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो इजी है,
ये फार्मूला आप बिल्कुल उसको रिविजन किए जैसे पीछे टॉपिक का जहां पर आपने इंटेंसिटी निकाला था। नेक्स्ट इज इक्वेटोरियल पोजिशन। देखिए इक्वेटोरियल पोजिशन में क्या होता है, वो न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये सब एक तरह से आपका रिविजन टॉपिक है, पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा है। सेकंड इज इक्वेटोरियल पोजिशन। इक्वेटोरियल पोजिशन ये है प्लस क्यू चार्ज, ये सपोज माइनस क्यू चार्ज ए बी, ये इसका इक्वेटोरियल पोजिशन है। यहां पर हमने एक पी पॉइंट लिया पी, ये डिस्टेंस 2L, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस है तो L हो जाएगा 2L का हाफ, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा R। पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा क्या, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत आसान है। यहां पर आप एक बार V प्लस Q निकाल लीजिए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, V प्लस Q क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज के साथ में इसका डिस्टेंस दैट मीन पी ए हो जाएगा पी ए, दैट इंप्लाइज वी प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन पी ए का वैल्यू है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रिलेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इज वी माइनस क्यू, दैट मीन्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन ये माइनस है माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रिलेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर जब हम रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालेंगे दैट मीन्स टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू जब हम निकालेंगे V प्लस Q प्लस V माइनस Q, तो आप यहाँ पर दोनों रिलेशन को देखिए, ये दोनों रिलेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट इसमें माइनस साइन है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों इक्वल है ये माइनस होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या मिलेगा जीरो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है कि हमको यदि इक्विटोरियल पोजिशन पर टू इक्वल चार्ज का या डाइलेक्ट्रिक पोल्स का यदि हमको इक्विटोरियल पोजिशन पर पोटेंशियल फाइंड करना है तो ऑलवेज क्या होता है वो जीरो होता है। दैट मीन्स एट इक्विटोरियल पोजिशन द रिजल्टेंट पोटेंशियल विल बी ऑलवेज जीरो। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसका कंप्लीट स्टडी, क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक पोटेंशियल पर होता है वो कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है। कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, नाम से क्लियर। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या हो, जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये सपोज मैंने एक चार्ज पार्टिकल लिया, अब इसके हर पॉइंट पर सपोज यहां 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 सभी जगह पोटेंशियल क्या है, कॉन्स्टेंट है, इक्वल है, तो क्या कहलाता है, नाम से ही क्लियर है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब दैट टाइप ऑफ सरफेस एट वेयर एवरी पॉइंट पोटेंशियल विल बी सेम आर पोटेंशियल विल बी इक्वल इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं बाहर निकल रहे हैं इस तरह से, और ये इसमें इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं अपने को। बहुत ईजी टॉपिक है प्रॉपर्टीज, कभी भी बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है इसका, एट ईच पॉइंट पोटेंशियल इज सेम, जो इसका डेफिनेशन है। सेकंड इज पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज जीरो। तो नेचुरल सा बात है कि जब हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। थर्ड इज नो वर्क डन टू मूव ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अभी मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का आपका डिफिनेशन बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पूरे सरफेस में पोटेंशियल इक्वल है तो पॉजिटिव चार्ज को, दैट मीन्स टेस्ट चार्ज को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यहाँ पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ये नो वर्क डन। एंड फोर्थ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस फ्रॉम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। दैट मीन्स इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगे वो अपने सरफेस पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू एच अदर। ये तो मैंने पहले ही आपको बता चुका है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस तो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं, तो ये भी नहीं करेंगे। और ऐसे भी ये सब अपने सरफेस पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स पैरेलल टू इच अदर है। अब जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो इंटरसेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं है, क्लियर। ये कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ हमारा पोटेंशियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियर हो जाता है और अब हम इसका स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, तो देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटी होता क्या है। तो आप सबको ये बात पता है कि किसी भी चीज़ की कैपेसिटी मतलब हम हिंदी में बोलें तो क्या, क्षमता, उसकी क्षमता क्या होती है। हम बोलते हैं मेरी कैपेसिटी इतनी है, हम ये वर्ड बहुत कॉमन लाइफ में यूज़ करते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। और यदि हम उसको एक मेजरमेंट के फॉर्म में बात करें तो सपोज़ हमारे पास कोई 5 लीटर का घर में कंटेनर है, सपोज़ लिक्विड स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई 5 लीटर कंटेनर है। अब उसमें हम यदि कोई आयल या मिल्क यदि हम इसमें स्टोर करना चाहें तो कितना कर पाएंगे अपन, नेचुरली 5 लीटर। तो 5 लीटर इज इट्स कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर करने का, उसको रख सकने का जो क्षमता होता है उसकी कैपेसिटी होती है। ये मैंने आपको कैपेसिटी का सिंपल मीनिंग बताया कॉमन डेली लाइफ में कि कैपेसिटी 5 लीटर कंटेनर मीन्स 5 लीटर इज इट्स कैपेसिटी, क्योंकि 5 लीटर का लिक्विड स्टोर कर सकेगा। 5 लीटर से ज़्यादा लिक्विड हम उसको देंगे तो उसको स्टोर नहीं कर पाएगा वो। उसी तरह से किसी भी चार्ज बॉडी का, कोई भी चार्ज बॉडी, सपोज़ ये मेरा चाक होल्डर चार्ज स्टोर करता है, अब इसको मैं चार्ज देते जाऊंगा तो क्या करेगा, एक लिमिट तक ही क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। जब उसका चार्ज स्टोर करने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगा तो चार्ज रिसीव नहीं करेगा, वो उसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी का कैपेसिटी क्या होता है। अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ा है कि पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू वी। Since we know that the amount of charge is directly proportional to potential difference, क्योंकि हम किसी बॉडी को जितना चार्ज देंगे उतना ही ज़्यादा उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब यदि इस कंडीशन को आगे सॉल्व किया जाए तो Q इक्वल, मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, और वो है सपोज C, तो हो जाएगा C इंटू वी। यहाँ पर जो C हमने यूज किया है इसे ही कहते हैं कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। ये C यहाँ पर कैपेसिटी है, C फॉर कैपेसिटी, और ये Q इक्वल टू C इंटू वी के इक्वल होता है। दैट इम्प्लाइज यदि इस फार्मूला को हम C के लिए सॉल्व करें तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन वी। दैट मीन्स इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर आज चार्ज बॉडी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। एक सिंपल सा हम यहाँ डेफिनेशन इसके फार्मूला से कर सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो होता है वो कैपेसिटी होता है। लेकिन इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक अपन करें, जनरली हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो रेशियो के फॉर्म में होता है डिफाइन करना होता है तो डिनोमिनेटर को यूनिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेंशियल को, इफ वी इक्वल टू यूनिट देन सी इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी है वो चार्ज के इक्वल होता है,
तो कौन से चार्ज के इक्वल होता है? जब पोटेंशियल क्या हो, यूनिट हो। तो कैसा यूनिट हो? दैट मीन्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, आप उसको रॉन्ग वे में नहीं समझ लेना। जैसे कई बार हम क्या कहते हैं कि यदि किसी चार्ज बॉडी पर पोटेंशियल यूनिट हो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उस पर जितना चार्ज होता है उसके इक्वल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में यदि सपोज मैं एक एग्जांपल दिया आपको, सपोज ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है, इसका पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है। अब सपोज इसके पोटेंशियल को मुझे 21 वोल्ट करना है, मतलब कितना वोल्ट उसमें इंक्रीज करना है? 1 वोल्ट। तो मेरे को इसके पोटेंशियल को 20 से 21 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि मैं चार्ज दूंगा तभी पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो ये जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, वही उसकी क्या होगी? कैपेसिटी होगी। आ रहा है बात आपको समझ में? मैंने क्या बोला कि यदि किसी भी चार्ज बॉडी के पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए या यूनिट इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज रिक्वायर्ड होता है, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इट्स कैपेसिटी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? कैपेसिटी ऑफ एनी चार्ज बॉडी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाई यूनिट। क्लियर? किसी भी चार्ज बॉडी का कैपेसिटी उस चार्ज के इक्वल होता है जो उस चार्ज बॉडी के पोटेंशियल में यूनिट इंक्रीज करने के लिए जरूरी हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बताया कि 20 से 21 करने के लिए जितना चाहिए वो उसकी कैपेसिटी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं किस पर, इसके यूनिट पर। तो माइकल फैराडे ने इसको दिया था, इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए इसका यूनिट होता है फैराड। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी। इसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसका डेफिनेशन हो जाएगा 1 फैराड। यदि हमको 1 फैराड डिफाइन करना है तो यहाँ पर हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी को क्या क्या लेते हैं? यूनिट ले लेते हैं। क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे? इफ अमाउंट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम एंड पोटेंशियल इज सपोज 1 वोल्ट, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज एनी चार्ज बॉडी इट्स पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट, देन इट्स कैपेसिटी इज 1 फैराड। यदि किसी चार्ज बॉडी के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीज करने के लिए 1 कूलम चार्ज का जरूरत पड़े, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हूँ 20 से 21, सपोज 20 से 21 यदि मेरे को इंक्रीज करने के लिए चार्ज कितना लगे? 1 कूलम लगे, तो इसकी कैपेसिटी कितना होगा? 1 फैराड होगा। मतलब किसी भी चार्ज बॉडी के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीज करने के लिए यदि 1 कूलम चार्ज लगे, 1 वोल्ट इंक्रीज करने के लिए कितना चाहिए? 1 कूलम चार्ज लगे, तब हम उसकी कैपेसिटी को कितना बोलेंगे? 1 फैराड बोलेंगे। इफ 1 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल 1 वोल्ट, देन इट्स कैपेसिटी इज 1 फैराड। क्लियर? देखिए, जितना भी यूनिट का डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, 1 कूलम, 1 फैराड, 1 वोल्ट, आगे अपन पढ़ेंगे 1 एम्पियर, 1 ओम, ये सारे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछ देता है सीधा सीधा, डिफाइन 1 फैराड। तो बहुत ईजी है, लेकिन हम क्या है उसको प्रॉपर वे में तैयार नहीं करते, हम एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ गए या किसी बड़े क्वेश्चन के साथ। आजकल सभी बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पार्ट पार्ट में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चल रहा है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी एक छोटा पोर्शन 2 मार्क्स का, छोटा पोर्शन 2 मार्क्स का, फिर नीचे में एक छोटा पोर्शन 1 मार्क्स का दे दिया। सपोज आपको उसने कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए कोई बड़ा डेरिवेशन दिया और नीचे में लिख दिया कि डिफाइन 1 फैराड, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपर तैयार करिए। ये हो गया कैपेसिटेंस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल चार्ज बॉडी। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल चार्ज बॉडी किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी का कैपेसिटी कितना होता है? स्फेरिकल चार्ज बॉडी मतलब हमारा चार्ज बॉडी का स्फेरिकल शेप में है। सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस सपोज r है,
और इसको हमने सपोज प्लस क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर यह कैलकुलेट करना है कि आर रेडियस का जो स्फेरिकल चार्ज बॉडी है उसको चार्ज दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो देखिए हमको पता है, अभी हमने पढ़ा है कि जो स्फेरिकल बॉडी होता है दैट मीन्स पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल होता है वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया सॉरी क्यू अपॉन आर, ये हो गया क्या इसका पोटेंशियल, इस स्फेरिकल चार्ज बॉडी का पोटेंशियल हो गया। दो लाइन का डेरिवेशन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इफ अब यहाँ पर हम कंसिडर कर लें कि यह हमको फार्मूला पता है ना सीधा, सिंस c इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सिंस c इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम इसका वैल्यू पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा q और v का वैल्यू ये अपने पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। यहाँ से q कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको फार्मूला क्या मिल जाएगा, दैट इम्प्लाइज c इक्वल टू ये न्यूमरेटर में चला जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये छोटा सा फार्मूला है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी का जो कैपेसिटी होता है वह फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर के इक्वल होता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल चार्ज बॉडी। यदि न्यूमेरिकली इसको हम सीजीएस सिस्टम में सॉल्व करें तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। सीजीएस सिस्टम में कॉन्स्टेंट वन होता है, तो इन सीजीएस सिस्टम सी इक्वल टू आर, दैट मीन सीजीएस सिस्टम में यदि हम कैलकुलेट करें तो किसी भी स्फेरिकल चार्ज बॉडी का जो कैपेसिटी होता है वो न्यूमेरिकली उसके रेडियस के इक्वल, बोलिए न्यूमेरिकली नॉट यूनिट, ये क्या होता है उसके न्यूमेरिकल रेडियस के इक्वल होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ द अर्थ इज एक न्यूमेरिकल है जो बहुत से बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। न्यूमेरिकल ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर, जो कि नेचुरली होता है, फैक्ट है, ये अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर होता है। तो यदि किसी यदि अर्थ का जो रेडियस है 6400 किलोमीटर हो तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो ये इसी फार्मूला से निकलता है c इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर से। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, c इक्वल टू आपको पता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, ये होता है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट अप करेंगे रेसिप्रोकल करके, तो ये हो जाएगा 1/9 × 10⁻⁹ इंटू इसका रेडियस, तो रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400 × 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका वैल्यू आता है 711.11 माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड क्या होता है, फैराड का छोटा यूनिट, 10⁻⁶ को माइक्रोफेराड बोलते हैं। तो इतना होता है, ये न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा गया, ऐसा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पर है, मेरे को इस तरह है न्यूमेरिकल ध्यान में आ रहा है, मैंने आपको बता दिया कि इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर देन इट्स कैपेसिटी इज 711.11 माइक्रोफेराड। इस तरह से बहुत से न्यूमेरिकल्स इसमें बनते हैं, क्लियर। ये होता है हमारा स्फेरिकल चार्ज बॉडी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटर, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटर, क्लियर। तो कैपेसिटर आज मैं आपको कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाकी कैपेसिटर के फिर जो टाइप्स हैं और कैपेसिटर पर और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया हूँ, आप वहाँ से पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा कैपेसिटर। कैपेसिटर इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कंडेंसर भी बोलते हैं, आप कॉमन लैंग्वेज आपको पता होगा, समर टाइम में आपका फैन की स्पीड कम हो जाता है, आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हो, सबसे पहले उसका कंडेंसर चेक करता है, कंडेंसर खराब होता है तो फैन की स्पीड कम हो जाती है, आपको प्रैक्टिकली पता है। तो कंडेंसर क्या है, कमर्शियल नेम है, और हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर बोलते हैं, क्लियर। तो कैपेसिटर होता क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, सपोज ये दो प्लेट हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। अब सपोज मैं प्लेट ए को पॉजिटिव चार्ज दिया, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस प्लेट के आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा,
और यदि इसको मैं और चार्ज देते जाऊं तो एक टाइम के बाद क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक।